अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं पूरा डे स्पेंड करने वाली हूँ कैस्पर के साथ। वाओ, ब्यूटीफुल। तो अभी अभी मेरी हुई है गुड मॉर्निंग, और मतलब अभी अभी से मुराद अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा, इतना कोई हसीन मौसम हो रहा कि मैं क्या बताऊं। मैंने जल्दी से किया नाश्ता, उसके बाद मैं करने लगी वीडियो शूट आज के व्लॉग की। और मेरे चैनल पे जो है वो डेली वीडियोस आती हैं, डेली मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मैं पेट के रिलेटेड वीडियोज भी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग पेट लवर्स हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आप लोग आए। तो मेरी वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर क्या करें और सब्सक्राइब भी जरूर क्या करें। अब आप लोग ये सोचते होंगे यार ये हर वीडियो में आके यही बातें बोलती रहती कि लाइक क्या करो सब्सक्राइब क्या करो, तो यार कर दिया करो ना, क्यों करते हो ऐसा तुम लोग। खैर हम आ गए नीचे रूम में और कैस्पर को उठाने, तो देखा कैस्पर सोफे के पीछे सो रहे हैं आराम से लेट के। भाई उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो आराम से लेटे हुए अपना एसी के अंदर। तो हमने कहा बेटा आ जाओ बाहर आके देखो, इतना हसीन मौसम हो रहा है, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करवाएं। तो यहाँ मैं कैस्पर को लेकर ऊपर आ गई और मैंने दिया कैस्पर को नाश्ता, उसके बिस्किट्स। अगर आप लोग जाना चाहते हैं मैं कैस्पर को डेली रूटीन में क्या देती हूँ, नाश्ते में क्या देती हूँ, उसका लंच क्या होता है, डिनर क्या होता है, सारी चीजें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। मैं इसके ऊपर भी एक न्यू वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं होममेड क्या चीज बनाकर कैस्पर को देती हूँ, मतलब होममेड डाइट उसकी क्या है, तो वो भी कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों को एक न्यू फ्रेश सी वीडियो बनाकर उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैं कैस्पर को क्या क्या चीज़ें देती हूँ। ठीक है, खैर ये हो गई सारी बातें। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया, मैंने कैस्पर के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ा खेला वेला जाए भाई, उसके साथ डे स्पेंड किया जाए। तो यहाँ पर मैंने कैस्पर को अच्छे से कपड़े बना दिए जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्रिंस, और मेरा बेटा तो वैसे ही प्रिंस है। तो अच्छा यहाँ पर कैस्पर बिजी हो गया खेलने में, अब उसको मज़ा आ रहा था खेलने में, तो मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ी देर और इसके साथ खेल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आके मैंने उसकी शर्ट उतार दी क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर डन हुआ था, खेल खेल के थक भी जाता है इस वजह से, तो फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है इन लोगों को। तो मैंने उसे फिर पानी वानी पिलाया थोड़ा सा और फिर वो दोबारा से खेलने लग गया। यहाँ पे मैंने रूम का दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने सोचा कैस्पर को बाहर लेकर आऊँ सहन में, और सहन में आके वो थोड़ा सा खेले क्योंकि हमारा सहन बहुत बड़ा सा है, तो वहाँ पे घूमता फिरता है। यहाँ पे उसने देखे अपने पैर जो हैं वो कितने गंदे कर लिए, कितने काले कर लिए, काले कलूटा लग रहा है बिल्कुल गंदा सा। हालाँकि मैंने इसे सुबह ही नहलाया था, लेकिन वो ये ना छोटा है, खेल खेल के जो है अपने हाथ पैर जो है वो गंदा कर लेता है। अच्छा इसके लिए जब भी मैं कोई नया टॉय बाय करती हूँ ना, तो ये उसके बाद उसी से खेलने लग जाएगा, पुराने जितने हैं ना उन सबको फेंक के आ जाएगा, कहीं ना कहीं छुपा देगा। और ये इसका नया टॉय था जिसके साथ ये खेल रहा है, इसको मज़ा आ रहा था, मतलब थोड़ा सा ना ये कलरफुल था ना, तो इस वजह से उसको बहुत पसंद आया था उसको ये टॉय, तो इसके साथ ये खेलने लग गया। अब उसको काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब उसको ये क्या करता है दांत में दबा लेता है और लेकर जाता है अपने साथ, चाहता है कि इसकी चीज़ को छोड़ दूँ और ये अपने साथ लेकर चले जाए। तो यहाँ पर भी ये इसी कोशिशों में लगा था, लेकिन मैं छोड़ नहीं रही थी, मैं चाह रही थी ये मेरे साथ खेले, अकेले ना खेले मेरे साथ। आज जब पूरा दिन इसके साथ स्पेंड करना ही है तो आज मैं इसके साथ पूरा दिन मस्तियाँ करूँगी और ये मेरे साथ खेले। तो यहाँ पर ये देख रहा था कि ये किसी तरह छोड़ दे तो मैं इसको लेकर चला जाऊँ अपने साथ, लेकिन मैं भी एक तेज़, मैंने छोड़ा ही नहीं उसे, मैंने उसके साथ ही खेलती थी लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। अच्छा ये जो काम है ना, ये कैस्पर का फेवरेट तरीन काम है जो कैस्पर डेली करता है, उसको प्लांट्स के अंदर बैठना, उनके साथ खेलना उसे बहुत पसंद है। वो डेली यही काम करता है कि वो अगर वो छुपना चाहता है ना, जैसे वो छुपन छुपाई, जैसे बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं ना, वैसे ये भी खेलता है हमारे साथ छुपन छुपाई। ये जाके छुप जाएगा और हमें आ रहा होता है हार्ट अटैक कि बच्चा कहाँ चला गया हमारा। तो ये इसी तरीके से हमारे घर में प्लांट्स हैं बहुत सारे और ये जाके उनके अंदर छुप जाता है। तो अभी आगे आप देखेंगे इसका एक अच्छा सा स्लोमो, मैंने सोचा बहुत अच्छा वेदर हो रहा है तो इसका एक स्लोमो भी बना दूँ प्लांट्स के साथ, तो अभी आगे आप लोग वो भी देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा। आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं, डेली वीडियोज़ वगैरह मैं डालती हूँ। ये बच्चा ना इतना शरारती है कि एक जगह टिक के नहीं बैठता,
पहले वहां जाके बैठा था प्लांट्स में, अब उतर के वापस आ गया कमरे के अंदर। अब इसको दिख गया कि मेरे हाथ में इसका खिलौना है, तो बस आके खिलौना छीनने लग गया। मतलब ये लड़का चाहता है कि सब चीज़ें इसे मिल जाए। देखिए कैसे छीन छीन के भाग रहा है, देखिए कैसे छीन रहा है मेरे हाथ से, देखिए उछल उछल के खेल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कैस्पर के साथ टाइम स्पेंड करना, और मैं डेली का जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा मैं निकालती ही हूँ कि मैं कैस्पर के साथ थोड़ा सा खेलूँ, टाइम स्पेंड करूँ। क्यों? क्योंकि इन्हें भी हमारी ज़रूरत होती है कि इनके साथ भी कोई खेले, इन्हें प्यार करे। पेट्स ऐसे ही होते हैं, लोगों से ज़्यादा जो है ना वो पेट्स प्यारे होते हैं, वो आपके साथ बहुत लॉयल होते हैं। यहाँ पे हालांकि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कैट्स लॉयल नहीं होती, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि कैट्स जो होती हैं ना वो लॉयल नहीं होती हैं इतनी। लेकिन अगर आप उन्हें पालोगे, उन्हें पाल कर बड़ा करोगे, उनकी केयर करोगे, उन्हें प्यार करोगे, तो वो भी आपके साथ लॉयल हो जाती हैं। जानवर जो होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं, चाहे वो डॉग हो और चाहे वो कैट हो। अच्छा, तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी और मैं आपको दिखा रही थी कि इतने प्यारे बादल आए हुए थे, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन वही बात है कि बारिश नहीं होने वाली, तो खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम कराची वालों को। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाने वाली हूँ कि इतना प्यारा मौसम हो रहा था, सारे परिंदे वगैरह निकले हुए थे, सब चीज़ें, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई दिख गई बैठी हुई। अब वाओ, ब्यूटीफुल, ये देखें, इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी मासूमियत के साथ ही बैठी हुई थी, और मैंने इसके जाके ना वीडियो और पिक्चर्स वगैरह लेना शुरू कर दी। Time.